आज हम खेलेंगे एक माइंड गेम, और इस माइंड गेम से आपका टाइम भी पास हो जाएगा और माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। आइए देखते हैं हम कैसे खेलेंगे। पहले बता दे रहे खेल का नियम क्या है। हम पहले 20 कार्डों को 5 हिस्सों में बांटेंगे, और उसके बाद जो कार्ड रहेगा उसको हम तीन तीन करके बांटते रहेंगे, और फिर हमको मैचिंग करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि कैसे खेला जाता है ये गेम। एक, दो, तीन, चार और पाँच। हम और एक जगह रखेंगे, उस जगह पे हम और एक कार्ड ले सकते हैं, वो हम तीन तीन करके जो हिस्सों में बांटता रहेगा उस कार्ड से लेंगे। छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और बीस। हम देख रहे हैं कि इधर 20 कार्ड है, 20 कार्ड है इधर, और हमारे पास वो कार्ड बचा है उसको हम तीन तीन हिस्सों में बांटेंगे। देखते हैं कि कैसे ये खेला होगा। अभी ये जो आ रहा है इसको हम इधर ले लेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा कार्ड है। तो इधर एक ओपन करने का अपॉर्चुनिटी हमको मिल गया। हमको ब्लैक और रेड का मैचिंग करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे चार आया है, चार को हम किसी जगह पे पुट नहीं कर सकते। नेक्स्ट तीन में हम सात, सात अब देख रहे हैं कि ये आठ से मैच हो रहा है, तो हम इसको इधर रख दिया। उसके बाद यहाँ पे छः है जिसको हम किसी जगह पे पुट नहीं कर सकते। नेक्स्ट में है दस, दस से हम देख रहे हैं कि ये इधर लाल से मैच हो रहा है, एक साइज छोटा भी है और मैच भी कर रहा है। तो हम अब नेक्स्ट इसको हम देख रहे हैं कि एक हम पहले भी कहा था कि एक हम ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, तो इधर हम एक लिए, और उसके बाद देखा कि ये इधर चला गया क्योंकि ये इससे मैच हो रहा है, और ये भी इससे मैच हो रहा है, ये इधर का मैच हो रहा है। एक ज़बरदस्त मैचिंग हो चुका है, हमारा गेम बहुत अच्छी तरीके से आगे जा रहा है। यहाँ पे दो ओपन करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया, यहाँ पे एक नौ निकल आया और यहाँ पे एक सात निकल आया, और इससे हम देख रहे हैं कि इस नौ को हम इधर दस में बिठा सकते हैं, फिर एक ओपन करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगा। पाँच आ रहा है इधर, इधर एक सात दिख रहा है, इधर एक ब्लैक सात दिख रहा है, एक चार और एक पाँच दिख रहा है हमें, इधर एक नौ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी तरह से इधर कुछ भी पुट नहीं कर सकते, कोई जगह नहीं बचा। तो नेक्स्ट के लिए हम खेलेंगे, नौ आया है, इसको भी इधर कोई पुट करने का जगह नहीं बचा, तो फिर से नौ आया है, इसको भी हम कहीं पर भी पुट नहीं कर सकते। तीन आया है, यहाँ पे देख रहे हैं हम तीन को दे सकते हैं, यहाँ पे एक डाल सकते हैं और उसके बाद इसको भी इधर पुट कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए जगह है। तो ये मैच कर गया है बहुत अच्छी तरह से, ये भी ओपन करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया हम लोगों को। यहाँ पे हम देख रहे थे कि तीन है तो आराम से इधर दो चला आएगा, तो ये ओपन करने का अपॉर्चुनिटी हमको मिल गया। अब दस, अब देखो दस भी इधर चला गया, दस इधर चला आया, तो इसका मतलब ये है कि और एक अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाएगा कि हम इसको खोल सके। चलो इसको ही खोल देते हैं क्योंकि ये पहले से बना हुआ है। अभी और एक मौका मिल गया हमें इसको ओपन करने का। अब जो खेल देख रहे हैं हम कि यहाँ पर दस दस पाँच आठ सात दो सात की एक खेल चल रहा है, अब आगे ले जाना पड़ेगा हमको ये खेल, तब फिर से हम पता चलेगा कि क्या होने वाला है। दो आया है, किसी भी जगह पे हम इस दो को पुट नहीं कर सकते। छः आया है, छः को हम पुट कर सकते हैं क्योंकि इधर थोड़ा जगह है।
अभी नेक्स्ट पे जो आ रहा है उसको हम पुट नहीं कर सकते, इसको हम ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक 6 है, जिस 6 को पुट करने के लिए कोई जगह है, इधर एक 7 है तो ले सकते हैं, और ये भी लेंगे ताकि इसके इसको ओपन करने का मौका मिल जाए। चलो एक ओपन हो गया। अब जिस तरह से जा रहा है खेला, 4 4 लेने का जगह है, 3 लेने का जगह नहीं है, तो ये फंस जा सकता है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये 3 को निकालना पड़ेगा, 3 को निकालने के लिए कोई रास्ता अभी नहीं दिख रहा है, तो अभी के लिए जो करना है इधर से नेक्स्ट कार्ड को देना पड़ेगा। 8 तो नहीं हो रहा है, 8 से काम नहीं चलेगा, 10 भी नहीं चलेगा, मुझे लगता है ये गेम फंस जाएगा। चलो एक रास्ता निकल आया, एक रास्ता निकल आया, एक रास्ता निकल आया, 2 किसी भी तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 के लिए खेले हैं, लेकिन कोई जगह नहीं है इसको प्लेस करने के लिए, गेम अच्छी दिशा में नहीं जा रहा है। चलो एक अपॉर्चुनिटी तो मिल गया इसको देने के लिए, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 आ गया, और ये जो 2 है इस 2 को हम इधर दे रहे हैं। 7 निकल आया, लेकिन 7 को देने के लिए कोई जगह नहीं बचा। अभी नेक्स्ट कार्ड दे देंगे। चलो देखिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गया हमको, ताकि हम इस गेम को आगे ले जा सके। इधर 3 हो चुका है, 5 को कहीं पे देने की कोई जगह नहीं है, और यहाँ पे एक ये निकल आया। तो अभी के लिए गेम जैसा चल रहा है बहुत स्लोली चल रहा है। एक 5 आया, इस 5 को हम इधर डाल ही सकते हैं, उतना बुरा नहीं होगा। 3 को देने की कोई चांस नहीं मिल रहा है हमको, मिलता तो अच्छा होता। चलिए 9 आया है, बहुत देर से हम इंतज़ार कर रहे थे इस 9 के लिए, अब जाके लगा है 9। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाल 8 है, लाल 8 है, तो इस लाल 8 को हम इधर दे दें 5, तो इधर एक खोलने का मौका मिल जाएगा हम लोग को। 3 जिसके लिए हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे वो 3 आ चुका है, और उसके बाद ये पूरा ओपन हो चुका। अभी नेक्स्ट कार्ड पे 9 है, इस 9 को हम कुछ भी नहीं कर सकते, इस 9 को लेके हम कुछ नहीं कर सकते। ये है, इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, इसको हम ले सकते हैं जो हम इधर बिठा दिया, इसको इधर लाके, इसको इधर लाके हम और एक खोलने का चांस, 1 2 3 4 5 6 6 है, 7 मिल गया, 7 से कुछ काम चलेगा, नहीं चलेगा, 7 से कुछ काम नहीं चलेगा। अब हमारे पास एक 6 है, तो चलिए इधर 4 3 और 2 है, तो इधर रख सकते हैं हम इसको, और उसके बाद ये खुल सकता है। तो चलिए 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, लेकिन इसका जो टिक्का है वो नहीं मिल रहा है, 6 मिला है, तो 6 से काम चलेगा थोड़ा, इधर हम दे सकते हैं 6 को, लेकिन इसका 3 है, इस 3 को हम किसी भी तरह से पुश नहीं कर सकते, जगह नहीं मिल रहा है। 10 मिला है, लेकिन इस 10 को कहाँ डालें। हाँ जगह है, गलती हो गया हमारी, 10 को हम इधर डाल सकते हैं। उसके बाद एक 5 मिला है हमें, इस 5 को हम क्या करें, 5 को कुछ करने का जगह नहीं है। 9 को हम इधर दे सकते हैं। फिर से एक 4 आया है,
इस चार को डालने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो अभी के लिए हमें नेक्स्ट के लिए जाना पड़ेगा। सात मिला है, ब्लैक सात को हम कहीं पे भी डाल नहीं सकते। एक जे, चलो थोड़ा तो निकल आया, थोड़ा थोड़ा करके ये गेम आगे जा रहा है। अभी देखा ये मैच हो गया, ये देखो ये एक मैच हो गया, और इधर एक कुछ निकल आया। चलो ये पांच इधर मैच हो गया, और कुछ नहीं जा रहा है। यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे छः है, ऐसे चल रहा है ये गेम। आगे जाके इधर एक आठ मिला है, आठ से तो अभी कम नहीं चलेगा। चार मिला है, चलो थोड़ा आगे, थोड़ा थोड़ा करके गेम ही आगे जा रहा है, लेकिन ज़्यादा स्कोप नहीं मिल रहा है, फिर भी चल रहा है ये गेम। नौ, ये पाँच इधर आ चुका है, इधर नौ है, इधर नौ है, इधर छः और इधर सात है, यानी कि बहुत ही नज़दीक है हमारा गेम। देखिए क्या होता है, ये अब एक सात आया है। मुझे नहीं लगता कि ये गेम ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस गेम को कोई आगे की रास्ता नहीं मिल रहा है, फिर भी हम कोशिश तो ज़रूर करेंगे। आठ ही आ रहा है, चलो एक रास्ता और निकला, यहाँ से आठ जाएंगे, आठ जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से इसको मैनेज करने की, लेकिन फिर भी ये बहुत डिफ़िकल्टीज में आ चुका है ये गेम। अब थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सेटअप को चेंज करना पड़ेगा, तो जाके कुछ बन सकता है। इस टीम को निकालना है, इस टीम को हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये दो तरह ही, ओह हो शिट मैन, इसको निकालने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो हाँ एक रास्ता है, हम फॉलो नहीं कर रहे थे। यहाँ पे सात आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इधर मैच हो जाएगा, ये इधर मैच हो जाएगा, ये उधर मैच हो जाएगा, तो जाके इसको हम हटा सकते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको घुमाएंगे। चलो ये गेम तो बहुत कष्ट से, बहुत ही कष्ट से देख रहे हैं कि इस दो को हम इधर रख लें और इस तीन को इधर डाल रहे हैं, इस तीन को इधर डाल रहे हैं, इस तीन को इधर डालेंगे तो ये तीन को हम इधर डाल सकते हैं, तो ये गेम निकल गया। बहुत ही कठिनाई से हम गुजर रहे थे, लेकिन अभी के लिए हम देख रहे हैं कि ये गेम थोड़ा थोड़ा करके आगे निकल गया। ये आठ तो हम इधर पुश कर सकते हैं, तो यानी कि ये गेम मुझे लगता है अभी निकल जाएगा। ये तीन इधर चला जा रहा है, ये तीन इधर जा रहा है, चार इधर आएगा तो तीन इधर आएगा, चार इधर आ जाएगा, चार ये चार इधर आ जाएगा, ये पांच इधर आ जाएगा। चार से तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, मुझे लगता है थोड़ा और बांटना पड़ेगा। यहाँ पे एक सात है, इस सात को हमको हटाना होगा, यानी कि चार से बाद पांच है, यानी कि छः हो गया, छः हो गया, छः हो गया। इधर आप देख सकते हैं कि ये पाँच है, यहाँ पे छः है, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे पाँच है, यहाँ पे पाँच है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे छः आ सकता है। यहाँ पे एक सात है, ये सात को हम इधर डाल सकते हैं, चार को हम इधर डालेंगे और इसको इधर उठा देंगे, इसका मतलब ये गेम ख़त्म हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये गेम, माइंड गेम ख़त्म हो चुका है, इसको हम फिनिश कर चुके हैं। अब देख सकते हैं कैसे मिल जाएगा ये, छः सात
आठ, ये हो गया इसका सात और आठ, सात आठ उसका हो गया, इसका नौ तक हो चुका है, इसका नौ तक हो चुका है, सात है इसका, आठ नौ दस, इसका दस तक हो चुका है। अब जाके इसका आठ नौ दस, इसका दस तक हो चुका है, इसका दस तक हो चुका है, इसका भी नौ दस हो चुका है, इसका भी दस हो चुका है। अब आगे जा रहा है ये गेम बहुत ही अच्छी तरीके से, मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी तरीके से खेले हैं, जिसका नतीजा है ये गेम कंप्लीट हो जा रहा है पूरी तरीके से। ये कार्ड तो कंप्लीट हो गया, ये कार्ड कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कार्ड भी कंप्लीट हो चुका है, ये कार्ड भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट है, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे आप खेल सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया, एक दो तीन और चार, पूरा कार्ड एकदम सज गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से सज चुका है। इस तरीके से आप खुद भी घर में ट्राई कर सकते हैं इस गेम को, अच्छा लगेगा आपको खेल के। ऐसे बहुत सारे गेम हमारे पास है, हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा ऐसा गेम्स है जिससे आप समय बिता सकते हैं और माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं। थैंक यू।